शिट मैन, ये इसके बाप का। हेलो हेलो, मैं पिंकी का पापा बोल रहा हूँ। नरसंकर जी। हाँ ठीक है, क्या काम करते हो? अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अंकल जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? अपना। ओके 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 ओके। यहाँ से काजू ले जाता हूँ, मार्केट से बादाम उठा लाता हूँ। गाड़ियाँ कितनी है? हाँ जी, गाड़ी है? नहीं अंकल जी, गाड़ी तो नहीं है मेरे पास। गाड़ी नहीं है? मेरी लड़की को सड़क पे घुमाएगा क्या? गाड़ियाँ हैं। ओ गाड़ियाँ, सही है सही है। मैकेनिक हो ना, गैराज में इधर उधर की बहुत गाड़ियां पड़ी हैं। ठीक है बेटे, मेरी तरफ से मेरी रिश्ता पक्का है। सही में? अरे अरे अंकल जी, बस बस। अरे आपकी लड़की को परी होना, परी तो आप ही ने बना के रखी होती है ना, पंख उड़। हाँ थैंक यू सो मच अंकल जी, रिश्ता पक्का करने के लिए। लव यू, थैंक यू थैंक यू। फाइनली क्या तुम्हें लग रहा होगा है? कितना झूठ बोलता है लड़का, है ना, प्यार मोहब्बत में सब चलता है, इतने झूठ चलते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मैं तो फिर भी छोटे लेवल के झूठ बोले हैं, असली झूठ तो इसने बोला है लड़की ने। Oh, okay. The most famous person who slid in my DMs. Wait for it, you're not ready. Brad Pitt. Brad Pitt? Brad Pitt इसके DMs में? You made my life miserable. ब्रैड पिट, ये एंजेलिना जॉली उसका पति, अब तो मेरे ख्याल डिवोर्स हो गया, पता नहीं, वो बंदा इसके डीएम्स में झूठ बोल रही है। हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। और तुम्हें पता मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है। मतलब झूठ की इंतहाए यार, मतलब कुछ भी बोला जा रहा है। एक तो वैसे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं नौरा तेरे, पता नहीं कैसे कैसे केसों में फंस रही है ऊपर से। अब ये 200 करोड़ की महाठगी के मामले में जिन दो हसीनाओं से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, उनमें ना सिर्फ जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बल्कि अभिनेत्री नोरा फतेही पर भी एक बार फिर से सवालों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। 200 करोड़ के केस में तो वैसे ही दफे हुए हो तुम दोनों, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। सुकेश भाई कौन सा जादू किया, पैसे का जादू? आधे ज्यादा भारत के लौंडे रोते हैं बाथरूम में रोज रात को, मेरे को तो रोने की आवाजें आती है कि फील कर सकता ना, मैं भी तो बाथरूम में बैठा होता रो रहा होता। ये दो हसीनाएं जान नछावर करते हैं हम इनके ऊपर। लौंडों को आज के टाइम पे कुछ नहीं चाहिए, या तो सरकारी नौकरी, या तो अपना बिजनेस खोल दो, या तो नौरा फतेही और जैकलिन में से कोई एक मिल जाए। ये तीन सपने छोटे से हमारे, सुकेश ले गया भाई दोनों। एनीवेज मुझे समझ नहीं आया सब करने की लोड क्या थी, आई मीन पैसे की कमी कहाँ आ रही है सालों? ये छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट करने के तो तुम करोड़ों में छाप लेते हो, मूवीज मिल रहा है, आइटम सॉन्ग मिल रहा है, कोई ऐसी फिल्म कोई गाना नहीं जा रहा जिसमें नौरा का ढुमकाना बज रहा हो, फिर भी अच्छा नौरा दीदी मेरे को ये कहना था कि आपने इंटरव्यू में बोल दिया कि ब्रैड पिट आपके डीएम्स में पड़ा, आपने कभी कोशिश भी नहीं की कि उसका तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं, आपको उसके फैन पेज जिसने करा होगा। ब्रैड पिट 0001 हार्ट हैकर नाम के बंदे ने नौरा फतेही को मैसेज किया होगा कि हाँ भी बढ़िया डांस करती है, और नौरा को लगा ओहो ब्रैड पिट पड़ गया मेरे प्यार में। ब्रैड पिट नहीं है वो, ब्रैड पिट 0001 हार्ट हैकर है वो। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, ये कौन से नशे हैं, ये कौन से नशे हैं? एक्चुअली अली खबर तुम ही लोगों ने मेरे तक पहुंचाई थी कि नौरा का कुछ कर भाई, कर दिया रवि भाई, खुश है रवि नाम के लौंडे ने भेजी थी, खुश है रवि भाई, अब तेरे को बढ़िया नींद आई है ना। बाकी बच्चों बमोलियंस ने जो मेरे को मेम्स वगैरह भेजे हैं वो देखने से पहले मेरा मन कर रहा है, मैंने बहुत पहले बनाया था नौरा के ऊपर एक रोस्ट ना, तो नौरा नौरा का स्टाइलिश बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था। जान दो ना यार एक बार उसके इंस्टाग्राम पर, लॉन्ड आओ मैं समझो ना यार। आप लोगों की तरह होने चाहिए क्योंकि व्हाट एन इंस्पिरेशन यू गाइस आर, आप लोग क्या करते हैं स्टेज पे, लेवल्स टू 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 टू, दिमाग खराब हो गया, ट्रांजिशन टू टू टू, दिमाग खराब हो गया, दिस इज क्रेजी, आई एम ऑब्सेस्ड। कश्मीर रामशाह, आप लोगों ने आग लगाया इस स्टेज पे, बहुत ज्यादा मजा आया, आई लव्ड इट, इट वाज फिल्मी, इट वाज मैसी, कॉमेडी बहुत अच्छी थी। सुंदर दिख रही है तो क्या रही, तुझ बोलेगा ही नहीं तेरे को, मजाक बना के रखा हुआ है। पहले वाले बच्चों की तारीफ कर दी मैं, समझ में आता ठीक है भाई, अगला बंदा आया उसकी उससे भी ज्यादा तारीफ कर रही, और एक तो मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा तुम गलतियां नहीं निकाल रहे ये शोज के अंदर ना, इनको सबकी परफॉर्मेंस पसंद आती है, 10 लोग परफॉर्म करके जा, ये गलती किसी की नहीं निकालते। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? एक हमारे सोनू पाजी है, ये होते हैं जजेस। ये गाना क्या है? एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता चाहता है, वो चाहता है कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने रह, मतलब रह, रहने दो रह, रहने रहने दो एहसा एहसा।
तो बालू सर अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं रफी साहब को और उनको असेस कर सकते हैं तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि जब आप उनका गाना गाएं तो अपनी ही आवाज में गाएं, बट वो फील दे। सीखो, ये होता जज का काम, ये नहीं कि हर किसी के बारे में आए। एनीवेज अब बढ़ते हैं बकचोद मोलियंस की तरफ, जिन्होंने क्या क्या भेजा देखें, बड़ा टाइम हो गया यार। हे स्नेहु, यार मेरी बात सुन, कुछ नहीं ये अच्छा था, ये बढ़िया था। मेरे को क्या भेज रहे हो? ये भेजा मुस्कान ने। काफी अच्छे आदमी थे, काफी, लेकिन भगवान भी अच्छे आदमी को जल्दी बुला लेते हैं। 80 के थे वैसे, लेकिन एक्टिव बहुत थे इस उम्र में भी, दौड़ते भागते रहते थे, लंगड़े थे जन्म से, लेकिन आदमी काफी अच्छे थे, ज्ञान का भंडार थे। अरे चौथी फेल थे पर आदमी अच्छे थे। हाँ, कभी भी दारू सिगरेट गुटखा इन सब का सेवन नहीं किया। अरे कैंसर से मरे हैं। सामने वाले का गुस्सा आ जाएगा, कहता है क्या आदमी था, इसको तो चले जाना चाहिए। जहां तक मेरे को लग रहा है वो पक्का गुस्से में बोल देगा बढ़िया ये चला गया। पर आदमी बहुत अच्छे थे, काफी ईमानदार थे, इनकी बात मानो पत्थर की लकीर थी, गरीबों की बहुत मदद करते थे। इनके घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया, किसी का एक पैसा नहीं खाया कभी। वो बंदा खुश रहा, कहता थैंक गॉड फाइनली कुछ अच्छी बातें बोली मैंने और ठीक है जा रही है बंदे के ऊपर। नेता थे पर आदमी बहुत अच्छे थे। अरे अच्छे थे आदमी, सारे तो गलत काम करके बैठा ही आदमी। मेरे को पता था एट दैट ये होना ही होना। ये मेरे को भेजा है, यूजर नेम देखो, its_unique_boy _आशु। मेरी बात सुन, माना तू बमोलियन गैंग का हिस्सा है लेकिन तू सीधा आशु लिख दे यार, तेरी कॉपी की पहली लाइन नहीं है जो पूरी की पूरी भर रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नखरियां की भर दूंगा बोल फीस तू मेरा एक एक फुट पड़ता ही लाख का। ए पापा की परी चलियो 20 रुपए बैठो। हां 20 रुपए बैठो। ये डिस्काउंट डिस्काउंट एक्सचेंज करा बोल तू मुझे ये भेज दो भेज दे 1300 क्योंकि तुम अपने रेगुलर कस्टमर। अरे भाई मैं पहली बार आया हूँ शहर में, कुछ भी बोल रहे। तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ आशु, क्यों भेजा तूने मुझे ये? और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता। जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं अपनी ये 2 करोड़ की हवेली और अपना क्लिनिक और 25 लाख की जो FD है वो उसके नाम पे कर दूंगा। ए भैंस की आंख, अपने लिए बुलावा है। तुम्हारा धर्म बनता है मेरे को सबसे पहले भेजने का ये रील। अबे आशु क्या भेज रहा था तू मेरे को? ये भेजा करना, सबसे पहले पहुंचना था यार। अगला बहन की आंख, अपनी कोठी 25 लाख, पता नहीं क्या क्या दे रहा, लड़की भी सुंदर ही है। हाथ से चले गया ऑफर, अब कहां से ढूंढूंगा ऐसा बाप दोबारा से। लड़की पट नहीं रही है, ऊपर से बाप अपने हाथों से दे रहा था पैसा, गाड़ी बंगला, लड़की भी सुंदर। कोई बात नहीं, दोबारा कभी आएगा तो भेज देना। अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। मेरा तो, मेरे को तो बहुत जोर से कराया आ रहा है, मेरे से नहीं बनेगा वीडियो आज से आगे। और राइट गाइस, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक का बटन फोड़ दो, सब्सक्राइब का बटन को फाड़ दो, चीर दो और कमेंट कर दो फेवरेट पार्ट, और लिख दो ऐसे पापा लोग कहाँ मिल रहे हैं जो अपनी बेटियां दे रहे साथ में पैसा भी दे रहे। अपने अपने परिवार का ध्यान रखो, खुश रहो, बाय। भेजते ही नहीं है यार, क्या कमी रहेगी मेरे प्यार में। वक्त ने है किया रोनी पे कैसा सितम, मर मार की अंजुमन में बेसुद है अपनी लगन में, दीवाने दिल में जा रहा नहीं, दीवाने दिल ने जाना नहीं।
हम किस गली जा रहे।